प्रणाम दोस्तों, दिस साइड इज प्रोफेसर चिराग। आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, ये वीडियो बनाने का यार स्पेसिफिक रीज़न है, ऑलमोस्ट इतने बच्चों ने मुझे मैसेज किया होगा इस चीज़ के लिए कि सर, जब हम प्रोफेशनल में स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ रहे हैं या फिर इवन आप अपने एग्जीक्यूटिव में स्वेट इक्विटी शेयर्स पढ़ते हैं, तो सर इसकी प्राइजिंग में क्या लिखा हुआ है, प्राइजिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स कैसे चलती है। सो अभी आने वाले 5-7 मिनट के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाता हूँ हाउ प्रैक्टिकली प्राइजिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इज डन। चलिए, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यार, जल्दी से शुरू करते हैं। तो जब कभी भी यार आप बात करते हैं ना अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट आई विल गिव यू अ क्विक ग्लिम्स कि भाई स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है। यार स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है, जब कभी भी कंपनी का कोई एम्प्लॉय यानी कि डायरेक्टर और एनी एम्प्लॉय जिसने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए हैं, एक, या फिर आपको कोई उसने ऐसा नो हाउ दिलाया है, उसने कोई ऐसा नो हाउ दिलाया है। अच्छा, अब नो हाउ का मतलब क्या होता है, एनी थिंग बिकॉज ऑफ विच आपकी कंपनी आने वाले टाइम में प्रॉफिट कमाने वाली है, दैट इज कॉल्ड अ नो हाउ। तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिलाया या कोई नो हाउ दिलाया है और इस चीज़ के लिए आप उसको रिवॉर्ड देना चाहते हैं, आप उसे एक प्रैक्टिकली अवार्ड देना चाह रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं पे रिवॉर्ड और अवार्ड उसको आपके साथ लॉन्गर टर्म साथ में रहने के लिए मोटिवेट करेगा, प्लस और इनोवेटिव काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। हेंस स्वेट इक्विटी शेयर्स एक बहुत अच्छा तरीका होता है आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। तो इसके थ्रू आप लोग उन्हें इशू करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। अब देखिए, स्वेट इक्विटी शेयर यार यूजुअली दो तरीके से इशू होते हैं, या तो फॉर सम कंसिडरेशन, अच्छा फॉर सम कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि इसका कुछ पार्ट आपने उनसे एक्चुअली पेमेंट लिया और कुछ चीज़ आपने उनको क्या दे दी, डिस्काउंट दे दी। और एक और तरीका होता है फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। नॉन कैश कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई हमने आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लिया, हमने आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लिया, आपको सब कुछ फ्री में दे दिया है, आप बस आपके साथ शेयर्स रखिए, आपको मोटिवेट करने के लिए दिया है और हम ये मानते हैं कि आपने ये जो हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिलाया ना, या फिर जो नो हाउ दिलाया, यही हमारा कंसिडरेशन है, बस इसके बदले में आपको शेयर्स दे दिए। अब सवाल उठता है जिस चीज़ के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है कि इन स्वेट इक्विटी शेयर्स की प्राइसिंग कैसे की जाती है। अब दोस्तों, प्राइसिंग के लिए सबसे पहली बात, सबसे गलत तरीका क्या है ना, ये जो आपका प्राइसिंग का टॉपिक आपके मॉड्यूल के अंदर दिया गया है, इसको कभी स्टार्टिंग से रीड ही नहीं करना, इसको उल्टा रीड करना था। अगर हम इसे उल्टा रीड करें तो इट विल मेक अमेजिंग सेंस। बहुत सारी चीज़ें लिखी है, क्लोजिंग प्राइस, इसकी यहाँ से ओपनिंग प्राइस, एवरेज निकालना, कुछ नहीं देखना। पहले एक बात समझो, स्वेट इक्विटी शेयर की प्राइस डिसाइड करने के लिए आप लोगों को ये देखना है कि भाई पिछले कुछ समय से हमारी प्राइस कैसी चलती हुई आ रही है। हमको ये देखना है पिछले कुछ समय से हमारी प्राइस कैसी चलती आ रही है। तो मान लीजिए कि भाई एक प्रसाद लिमिटेड करके कंपनी है, ठीक है, हाँ जी, प्रसाद लिमिटेड कंपनी, भाई बहुत बढ़िया कंपनी चल रही है। अब इस कंपनी ने क्या बोला है आपको कि भाई मैं चाह रही हूं स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना। अब बिटू एक चीज समझने की है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी तो खुद ही डिसाइड करके खुद को वोट दे रहा है और खुद ही डिसाइड करके खुद को स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहा है, क्या ये सही डिसीजन होगा? नहीं। तो इसके लिए आपको लगेगा शेयर होल्डर्स का अप्रूवल। अगर आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लग रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे आपने जरूर बुलाई होगी एक जनरल मीटिंग, यहां तक साथ में, आपने यहां पे जनरल मीटिंग बुलाई होगी। अब बेटा यहां से खेल शुरू होता है, आपको जनरल मीटिंग आप क्यों बुलाते हैं, यहां पे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए कि भाई क्या हम लोग अपने डायरेक्टर्स को या फिर एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर दें या फिर ना दें। कैलकुलेशन इधर से गिननी है, देखो कैसे, ये कहता है कि आप लोगों को दिन की गिनती, मतलब जो भी आप एवरेज लेना चाहते हो वो आपको एक रेलेवेंट डेट से लेना है। और रेलेवेंट डेट का मतलब क्या होता है, आपकी जनरल मीटिंग से एग्जैक्ट 30 डेज पीछे चले जाओ, आपकी जनरल मीटिंग से 30 डेज पीछे चले जाओ, जिस भी दिन ये स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करने वाले हैं इसके 30 दिन पहले जाओ। और ये जो 30 दिन पहले वाली तारीख होगी ना, इसको हम क्या बुलाएंगे, आपका रेलेवेंट डेट बुलाएंगे। अब बेटू इसको प्रैक्टिकली यही डाल देते हैं, यार बात समझना। मान लीजिए कि आप 1st ऑफ सितंबर को
ये मीटिंग होल्ड करने वाले हैं, तो रेलेवेंट डेट क्या होगी? बेटा महीने के हिसाब से उल्टा नहीं जाना, 30 दिन गिनने। अगस्त में 31 का महीना होता है, तो आपने 31वां दिन एक दिन है, ऐसे उल्टा जाना है। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो 2 अगस्त को आपके 30 दिन आप पीछे चले जाएंगे, अगर आप देखें तो। एकदम ठीक है यहाँ तक की बात? नाउ 30 दिन गिनने थे आपको, ये दिन है आपकी रेलेवेंट डेट, यहाँ तक ठीक है बेटा। अब सारी कैलकुलेशन यहाँ से करनी है, तो पहली चीज अपने को रेलेवेंट डेट समझना जरूरी था। सो रेलेवेंट डेट इज 30 डेज प्रायर टू द जनरल मीटिंग, जिस दिन जनरल मीटिंग होने वाली है उसके 30 दिन पहले है आपकी रेलेवेंट डेट। अब इस रेलेवेंट डेट का क्या काम है समझना। अब मैंने इसने 2 तरीके की कैलकुलेशन दी है आपको, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्राइस आपको फाइनलाइज करनी है। इसने कहा कि रेलेवेंट डेट से आप 2 तरीके की कैलकुलेशन करें। एक कैलकुलेशन होगा जो 2 वीक्स के बेसिस पे होगा, और एक कैलकुलेशन होगा जो 6 मंथ्स के बेसिस पे होगा। 2 वीक्स एंड 6 मंथ्स के बेसिस पे होगा। अब बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप क्या करो, रेलेवेंट डेट से 2 हफ्ते पीछे जाओ। अब इन 2 हफ्तों में आप क्या करो, क्लोजिंग प्राइस के एवरेज निकालो। कैसे क्लोजिंग प्राइस का? लास्ट हफ्ते का, मान लीजिए 2 वीक, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, वीक 1, वीक 2, ठीक है एकदम। अब देखिए पहले अपन वीक 1 का कैलकुलेशन निकाल लेते हैं बड़ी आसानी से। मान लीजिए कि डायरेक्ट यहाँ पे मैं क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग अमाउंट लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए भाई, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को तो भाई छुट्टी होती है, इस दिन तो शेयर्स कोटेड ही नहीं है, प्राइस ही नहीं आएगी कुछ। अच्छा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ तक साथ में। मंडे को मेरी शेयर की प्राइस थी 220, 230, 210, 240, 260, ठीक है एकदम। ये आपका वीक 1 का टोटल है। वीक 2 पे चलते हैं, अगेन सेम शेयर के लिए, प्रसाद लिमिटेड के शेयर्स है भाई, क्लोजिंग अमाउंट की बात करते हैं वापस से, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ तक साथ में। इसमें क्लोजिंग देखते हैं, मैं सेकेंड वीक में क्या आई, 210, 220, 220, 230 और 250, मान लीजिए ये सेकंड की क्लोजिंग है। अब बेटा देखो क्या करना है, पहले आप वीक 1 का एवरेज निकालोगे। वीक 1 का एवरेज कैसे निकालना है? द रूल सेज कि लास्ट वीक में जो भी सबसे हाईएस्ट और जो भी सबसे लोवेस्ट रहे, उन दोनों को निकालो। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे हाईएस्ट क्या रहा, 220, 230, 210, 240, 260, सबसे हाईएस्ट है 260। अच्छा, सबसे लोवेस्ट देखना एक बार, अगर सबसे लोवेस्ट देखोगे तो 210 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज निकाल लो आप, तो एवरेज आया 260 प्लस 210 डिवाइड बाय 2, देख लीजिए इट्स 470, और 470 आप डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, इट विल बी 235। हाँ जी, इतना ही होता है ना यार, एक बार चेक कर लेना यार, भाई अपनी मैथ्स थोड़ी सी वीक है। 470 डिवाइड बाय 2, अरे क्या बात कर रहे हो, एकदम सही है यार, 235। तो ये आ गया आपका वीक 1 का। अच्छा, वीक 2 में कैलकुलेट, अच्छा अब वीक 2 में आप दिमाग लगाइए, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 250, सबसे लोवेस्ट कौन सा है, 210, ठीक है एकदम। अब वापस से इन दोनों का टोटल निकाल लीजिए, क्या रहा है भाई, 250 प्लस 210 डिवाइड बाई 2, तो 470 डिवाइड बाई 2, वापस से सेम ही आ रहा है। एक काम करते हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको 300 कर देता हूँ, तो क्या होगा, 300 से आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे एक प्राइस है 300 और एक है 210, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, दिस बीइंग द हाईएस्ट, दिस बीइंग द लोवेस्ट, दिस बीइंग द हाईएस्ट, दिस बीइंग द लोवेस्ट, और आपको क्या करना था, दोनों वीक्स के हाईएस्ट और लोवेस्ट का एवरेज निकालना है, ठीक है। निकालते हैं भाई, ये हाईएस्ट लोवेस्ट, तो 300 प्लस 210 डिवाइड बाय 2, 300 प्लस 210 कितना होता है, 510, 510 डिवाइड बाय 2 वापस कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से 255 आएगा, पर फिर भी रिस्क नहीं लेने का भाई, हाँ जी 255, हाँ जी। एक सेकेंड, तो क्या हमारा काम खत्म हो गया है? नहीं, हमने क्या बोला था, एवरेज ऑफ वीकली हाई वीकली लो, दिस इज एवरेज ऑफ वीक 1,
एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड वीकली लो, ये था आपका फर्स्ट वीक का। फिर हमने कहा भाई हमने तो दो वीक्स का निकालना है, तो हमने दूसरे वीक का भी निकाल दिया। तो एक वीक का एवरेज हाई और लो आ रहा है 235 और दूसरे वीक का एवरेज हाई और लो आ रहा है 255 और आपको निकालना था दोनों वीक्स का एवरेज हाई एंड लो। तो अब क्या करने का, इन दोनों का आपने सेपरेटली हाई एंड लो निकाल लिया। अब इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, ये फर्स्ट वीक का है एवरेज, ये सेकेंड वीक का है। तो प्रैक्टिकली अगर इन दोनों का निकाल लिया जाए एवरेज, तो हमारे पास दो वीक का एवरेज आ गया। देख लीजिए बेटा, 235 प्लस 255 डिवाइड बाय 2, देख लो कितना आता है भाई, 490 डिवाइड बाय 2, तो 245 का आपका एवरेज आएगा। देख लीजिए, ये वैल्यू याद रखना बच्चे, 245 का आपका एवरेज आ गया। चलो अब देखना बेटा, तो इसने क्या बोला कि रेलेवेंट डेट से आपने क्या करना है, दो वीक्स का एवरेज निकालना है। तो हमारे दो वीक्स का एवरेज कितना आया, 245। बेटा ये लिख के रख लो, और वैसे ही रेलेवेंट डेट से आपको सिक्स मंथ्स का भी एवरेज निकालना है। जैसे मैंने आपको अभी दो वीक्स का बताया, ऐसे आपको छह मंथ तक का निकालना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यार छह महीने तक कैसे निकालते बैठते रहेंगे, इसीलिए आपके एग्जाम में सिक्स मंथ्स का हमेशा डायरेक्ट प्राइस दिया जाएगा। कैलकुलेशन हमेशा कौन से वाले मैटर में करनी होगी, टू वीक्स पे करनी होगी, कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस बात में, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में सिक्स मंथ्स के लिए एवरेज हाइएस्ट दिया हुआ है 265। अब बेटा फाइनल एंड पे आ रहे हैं प्राइसिंग के अपन। प्राइसिंग का फाइनल एंड क्या बोलता है कि रेलेवेंट डेट से दो वीक का निकालो और रेलेवेंट डेट से सिक्स मंथ्स की प्राइसिंग निकालो। अपन प्रोविजन बाद में रीड करेंगे। इन दोनों में से विच एवर इज हायर, इन दोनों में से विच एवर इज हायर, जो हायर होगा वो ही होगी मेरी स्वेट इक्विटी की प्राइस। तो बेटा 245 और 265 में व्हाट इज हायर, 265, तो हेंस आपके स्वेट इक्विटी की प्राइस होगी 265। अब यार एक चीज दिमाग में आई क्या कि सर दो हफ्ते का निकाल रहे हो, फिर छह महीने का निकाल रहे हो, जरूरत क्या है भाई, एक ही चीज करो, खत्म करो। दोस्त ये यूजुअली चेक करने के लिए होता है कि आपने कहीं रीसेंट टाइम में कोई अबनॉर्मल फ्लक्चुएशंस करके कहीं प्राइस को बहुत ज़्यादा करने की कोशिश तो नहीं करी, ताकि या फिर प्राइस को बहुत कम करने की कोशिश तो नहीं करी कि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाए। तो ये टू वीक्स और सिक्स मंथ्स को पर्पसफुली अपन इसलिए रखते हैं ताकि अगर कोई प्राइस मैनिपुलेशन हो रही हो तो वो पता पड़ जाए, क्योंकि अब इतना लंबा प्राइस मैनिपुलेशन चला नहीं सकते, हेंस इन दो चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को एकदम क्लियर है बेटा। अच्छा अब एक बार आपको प्रोविजन रीड कराता हूँ, प्राइसिंग खत्म है, बस साथ में दो कंडीशन और है जो बिल्कुल बचकानी सी है, जल्दी से बता देता हूँ आपको। हाँ जी देखिए, प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, द प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल नॉट बी लेस देन हायर ऑफ द फॉलोइंग। अब जो नीचे आप कैलकुलेट कर रहे हो उन दोनों में से जो सबसे हायर वैल्यू होगी वो बनेगी आपकी स्वेट इक्विटी शेयर की प्राइस। देखते हैं, द एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द क्लोजिंग प्राइस। डिड यू जस्ट सी इसने क्या बोला, आपकी क्लोजिंग प्राइस का वीकली हाई एंड वीकली लो, अगर दिमाग लगाओ अपन ने क्या किया, अपनी क्लोजिंग प्राइसेस का वीकली हाई और वीकली लो लिया ऑफ द रिलेटेड इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द लास्ट सिक्स मंथ प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। एक तो आपको छह महीने का कैलकुलेशन करना था, जो मैंने आपको बोला आपको हमेशा दिया जाएगा, यस। तो पहला कैलकुलेशन ये, सेकेंड पॉइंट डिटो छापा हुआ है भाई, वापस से देखना, द एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो, हर वीक का हाई और लो का एवरेज निकालो, ऑफ द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द रिलेटेड इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द टू वीक्स। तो दो वीक का पहले अलग अलग एवरेज निकाल लो, फिर इन दोनों का एवरेज निकाल दीजिए, प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट। बेटा अभी अभी मैंने आपको बताया था रेलेवेंट डेट का मतलब क्या होता है, जनरल मीटिंग से 30 दिन पहले वाली डेट होती है आपकी रेलेवेंट डेट। तो याद रखना ये कहना क्या चाह रहा है, जनरल मीटिंग से 30 दिन पहले जाओ रेलेवेंट डेट पे, यहां से दो हफ्ते पहले, यहां से छह महीने पहले कि आपको प्राइजेस निकालनी है क्लोजिंग, और क्लोजिंग में हाई और लो का एवरेज, और दोनों में से जिसका भी अमाउंट हायर आया वो आपकी स्वेट इक्विटी शेयर की प्राइस बन जाएगी। नाउ इफ द शेयर्स आर लिस्टेड, अच्छा देखो अभी एकदम टाइम पास है जल्दी से, मान लीजिए आपके शेयर्स एक बार में दो स्टॉक एक्सचेंज पे एनएससी बीएससी दोनों पे, तो भाई किसकी प्राइस लेने का, ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं है। इफ द शेयर्स आर लिस्टेड ऑन मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज बट कोटेड ऑन वन, मतलब क्या, आप लिस्ट तो दो जगह पे हो पर आपकी सेलिंग और आपकी प्राइस सिर्फ एक ही जगह पे दी गई है, तो जाहिर सी बात है जहां पे प्राइस दी गई है वहां से कैलकुलेशन कर।
But quoted only on one stock exchange on the given date, then the price on the stock exchange shall be considered. जहां पे आपका शेयर लिस्टेड है उस प्राइस को कंसिडर कर लेंगे, झगड़े खत्म. Next, if the share price is quoted on more than one stock exchange, आप NSE पे भी listed है, आप BSE पे भी listed है, आप NSE पे भी अपने shares बेच रहे हैं, BSE पे भी अपने shares बेच रहे हैं, ऐसे केस में क्या करने का? कुछ टेंशन लेने की बात नहीं, हम बड़े सीधे और शरीफ हैं. हमने कहा जहां पे तेरा ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा हो उधर घुस जाने का भाई, जहां पे ज्यादा शेयर्स बिकते हैं वहां की प्राइस उठा लो. इफ द शेयर प्राइस इज कोटेड ऑन मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज, देन द स्टॉक एक्सचेंज वेयर देयर इज द हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्यूरिंग द डेट शैल बी कंसिडर्ड. जहां ज्यादा शेयर्स बिकते हैं वहां की प्राइस उठा लेना, खत्म. हां जी, लास्ट चीज, अगर किसी डेट पे आप लोग शेयर्स की प्राइस आपको कोटेड ही नहीं है, मान लीजिए आप कैलकुलेशन कर रहे थे और जो मतलब जैसे शनिवार रविवार उस दिन तो प्राइस कोट ही नहीं होती, मंडे टू फ्राइडे मार्केट चलता है, तो ऐसे केस में सैटरडे संडे का क्या करने का? हमने कहा नहीं गिनने का, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे छोड़ दो, वापस से मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे बस. इफ द शेयर्स आर नॉट कोटेड ऑन द गिवन डेट, देन द शेयर प्राइस ऑन द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे शैल बी कंसिडर्ड. जो भी नेक्स्ट डे आ रहा है उसको कंसिडर कर लेने का. रेलेवेंट डेट मैंने आपको समझा दी सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से. फॉर दिस पर्पज मीन्स द डेट विच इज 30 डेज प्रायर टू द डेट ऑन विच द मीटिंग ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर इज कन्वीन्ड इन टर्म्स ऑफ क्लॉज ए सब सेक्शन 1 सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. हाँ जी, आई होप आप लोग को प्रॉपरली समझ में आ गया है कि किस तरीके से आप लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स का प्राइस निकालते हैं. दोस्तों प्लीज, आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करते रहिएगा. मैं आप लोग के लिए और बहुत सारे वीडियोस इसी सब्जेक्ट के अंदर बनाता रहूंगा, अलग अलग टॉपिक्स पे बनाता रहूंगा. फॉर मोर अपडेट्स प्लीज कीप ऑन शेयरिंग एंड प्रेस अ लाइक बटन. टिल दैट टाइम अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा. लॉस फॉर ऑल, बाय बाय.